मैं शशिकांत गुप्ते, व्यवसाय तो मेरा ज्योतिष का है, लेकिन मैं साहित्य में रुचि रखता हूँ, कविताएं लिखता हूँ, व्यंग्य लिखता हूँ और समसामयिक विषयों पर मेरी टिप्पणी और समीक्षाएं भी होती है। अभी हाल ही में जो दो दिन पूर्व पुलवामा में जो आतंकवादी घटना हुई है, एक दर्दनाक घटना, उस पर एक नागरिक के हिसाब से और साहित्यिक के हिसाब से मैं जो सोचता हूँ कि इस पर जो आज चर्चा हो रही है, हमारे वीर जवान जो शहीद हुए हैं और सबसे बड़ी सीआरपी जो फोर्स है हमारा, उसको अर्धसैनिक बल कहा जाता है, इसमें 90% जो लोग आते हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन के आते हैं, गरीबी की रेखा के नीचे के आते हैं, किसानों के, मजदूरों के, ऐसे बच्चे आते हैं। इनका जो ट्रेनिंग होता है वो मिलिट्री जैसे ट्रेनिंग होता है, पूरा बड़ा कठिन ट्रेनिंग होता है, लेकिन दुर्भाग्य कहे या हमारी व्यवस्था को दोष दें, उनको आज तक सैनिक के बराबरी का दर्जा नहीं मिला है। इनको हम शहीद तो बोलते हैं, लेकिन शहीद सैनिक को जो सुविधाएं उपलब्ध होती है शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, वो इनको अभी तक उपलब्ध नहीं, उसके बाद लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारे जो जवान, उनकी संख्या अभी एकदम निश्चित नहीं कह पा रहे हैं, 40 तक पहुंच गए हम लोग, लेकिन इस पर जो अभी चर्चा हो रही है, जो राजनीतिक हलकों में जो चर्चा हो रही है, उसमें सबसे बड़ा जो एक आपस में दोषारोपण या खाली ये कहना कि हम यूं बढ़ा देंगे पाकिस्तान को, दो दिन में ऐसा कर देंगे, ये सब व्यर्थ की चर्चा है। चर्चा ये होना चाहिए कि हमारी सुरक्षा के अंदर ऐसी असुरक्षित स्थिति कैसी बनी, एक गाड़ी, एक कार या जो वाहन है उस पर इतना बड़ा विस्फोटक रखा गया, उसको ले जाया गया, और जब मिलिट्री की गाड़ियां या इनकी सैनिकों की गाड़ियां निकलती, उस वक्त प्राइवेट कार वहां पर आना जब अनुमति नहीं होती है, उसके बावजूद भी वो गाड़ी जाती है और विस्फोट करती है, और इतना भयंकर विस्फोट करती है कि एक जवान का शव तो 1.5 किलोमीटर दूर जाकर मतलब मिला। ऐसी दर्दनाक घटना को हम खाली किसी के ऊपर दोषारोपण करके नहीं, हमारे अंदर जो गलतियां हुई है, जो लापरवाही रही है, उस पर गंभीरता से विचार करके, और उनको ढूंढना चाहिए उन लोगों को कि ये इन लोगों को प्रशय देने वाले कौन लोग हैं, इन लोगों को सहयोग करने वाले कौन हैं, और वो बाहर के हो नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों को हमारे यहाँ जो है रास्ता है, कहाँ कहाँ से गाड़ी आ सकती है, वो जितना मालूम हो बाहर के लोगों को कैसे मालूम हो सकता है। तो ये निश्चित है कि पाकिस्तानी आतंकवाद देश है, वहां आतंकवाद सब मैं मंजूर करता हूँ, लेकिन अभी जो घटना हुई है उसमें बिल्कुल जो है हमारी लापरवाही जो है, जबकि ये कहा गया है अधिकारियों के द्वारा कि 2500 सैनिकों को एक साथ नहीं निकालना, एकदम जाना नहीं चाहिए, उनको टुकड़ी टुकड़ी में ले जाना चाहिए। दूसरा, जिस रोड पर जाते हैं वहां हर 100 मीटर पे एक सुरक्षाकर्मी उपस्थित होता है, उसके बावजूद भी एक गाड़ी इतना विस्फोटक लेके चली जा रही है, वो टकरा रही है, जबकि सैनिकों जो हमारी रक्षा करते हैं उनकी हम रक्षा नहीं कर पाएंगे तो देश की रक्षा कैसे कर पाएंगे। आज वो हमारे लिए अपना घर बार छोड़कर मुस्तैद होकर, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, वहां पर हम डटे रहते हैं, और हर सैनिक बलों का तो उपयोग हर जगह किया जाता है, नक्सलवादियों के लिए उनको भेजा जाता है, हर चीज को उनको भेजा जाता है, उसके बावजूद भी हम उनकी रक्षा नहीं कर पाए और एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं, ये हमारे जो व्यवस्था जो है उनके लिए शर्म की बात है। और मैं तो ये कहूंगा कि इस पर जो है जांच होकर ये होना चाहिए कि ये जो घटना हुई है इसके पीछे कौन लोग हैं, किसका षड्यंत्र है, ये खाली दूसरों पर दोषारोपण करके नहीं चलने वाला, ये मेरा कहना है। मैं निशिकांत गुप्ते, पेशे से इंजीनियर। ये जो पुलवामा का जो घटना हुई है, बड़ी दुखद घटना हुई है, मुझे ज्यादा राजनीति की कोई माहिती नहीं है या कुछ ज़्यादा मैं समझता भी नहीं उस मामले में, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो खबरें पढ़ रहा हूँ या सुन रहा हूँ, उनसे कुछ सवाल जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। अब ये घटना जो हुई है तो एकाएक तो हुई नहीं, इसके पीछे ये घटना में कुछ प्लानिंग तो होगा, तो ये प्लानिंग कैसे हो रहा था, कब क्या हो रहा था, इसकी जो रिपोर्ट जो है, ऐसा पढ़ने में आया है कि एक सप्ताह पहले जो है ये पुलवामा की जो रिपोर्ट जो है वो इंटेलिजेंस जो हमारा है उनको मालूम पड़ गई थी, और उन्होंने ये रिपोर्ट जो है मंत्रालय को दे चुके थे। ये अब सवाल ये उठता है कि राज्यपाल वहाँ पर जो है वो एडमिशन संभाल रहे हैं, तो राज्यपाल उन्होंने इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ली। दूसरी यदि राज्यपाल का एक कर्तव्य बनता है कि वो कोई भी रिपोर्ट आए वो सीधे गृह मंत्रालय को दें,
गृह मंत्रालय से पूछे, तो क्या गृह मंत्री को भी उन्होंने बताया नहीं इस बात को? मतलब बड़ी दुखद घटना है कि इतना सब कुछ होने के बाद में, मालूम होने के बाद में भी यह घटना घटती है। चलिए उसके बाद में हमारे प्रधानमंत्री जो है वो बयान दे रहे हैं कि हम जो है इसको घटना को जो है वो हल्के में नहीं लेंगे, ये करेंगे। अरे आप जो है जो इस तरीके की जो बयान दे रहे हैं, ये बयान तो जो है वो एक आम छोटा सा जो एक नेता होता है वो भी देता है। आप प्रधानमंत्री हो, आपकी जवाबदारी थी, आप इधर बयान दे रहे हो, उधर जाके वाराणसी के लिए जो ट्रेन जा रही है उसको आप हरी झंडी बता रहे हो, उधर झांसी में जाके आप भाषण दे रहे हो, उधर जो है शाम को पालम हवाई अड्डे पर शहीदों के ताबूत आए हुए हैं, उन ताबूतों के लिए प्रधानमंत्री जो है वो श्रद्धांजलि देने के लिए रुके हुए हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं अपने समय से और बाद में दे रहे हैं, मतलब ये क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये पहला सवाल तो ये होता है कि मुझे तो ये लग रहा है कि ये सरकार जो है, इस सरकार में कुछ उनको कुछ समझ नहीं पड़ रहा है। इस तरीके से होता है कि किसी आदमी को कभी कुछ सोचता नहीं है तो क्या करता है कि एक तरफ दौड़ने लग जाता है वो, फिर आगे जाता है वहां उसे कुछ दिखाई नहीं देता, फिर वहां से पलटेगा वो, फिर दूसरी जगह दौड़ेगा। इस तरीके से इनकी दौड़ चल रही है, इनको कुछ क्या है, मतलब विषय क्या है, इतना गंभीर होने के बाद में भी कहीं गंभीरता दिख नहीं रही है। यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए, वहां वित्त मंत्री आके जवाब दे रहे हैं, जहां गृह मंत्री को जवाब देना है वहां डिफेंस मिनिस्टर जवाब दे रहा है, या फिर विदेश मंत्री आके जवाब दे रहा है कि क्या क्या चल रहा है। इस तरीके की सरकार चलेगी तो आतंकवादियों को तो खुली छूट है, वो तो उनको मालूम पड़ रहा है कि इनमें जो है ताकत नहीं है इनमें कुछ, ये तो बहुत बुजदिल लोग हैं, इनको खुद को कुछ समझ नहीं रहा है इनसे, तो इस तरीके की घटना होगी, बड़ी दुखद घटना है। लेकिन ये हमें सोचने की बात है, प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं कि हमने जो है उनको मोस्ट फेवर्ड नेशन के जो है मान्यता वो खत्म कर दी है। अरे हम उनको कितना माल एक्सपोर्ट कर रहे थे, ये सवाल उठता है। पढ़ने के बाद में ये मालूम पड़ा कि पाकिस्तान के साथ में हम 0.03% का व्यापार कर रहे हैं। अब ये 0.03% कितना होता है आप सोच लीजिए, कुछ भी नहीं होता। ये इन सब बयानबाजियों से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर है ठोस कदम उठाने की, जितने भी राजनीतिक दल हैं उन लोगों को साथ में लेने की, जो रिटायर्ड जनरल्स हैं उनको बुलाने की, उनसे समस्याएं जो हैं वो बताने की, उनसे पूछने की, उनसे सुझाव लेने की। इस तरीके से यदि हम करेंगे तो हम कहीं किसी नतीजे पर पहुंचेंगे और फिर बाद में जो है हम जो है ताकत के साथ में खड़े रह सकते हैं। कितनी देर कहोगे? सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।